हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल फूला फूला, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, एकदम ढाबे के स्टाइल वाला पनीर का पराठा। अब पनीर का पराठा सुन के आप वीडियो को बैक मत कर दीजिएगा, ये मैंने थोड़ा सा अलग तरह से बनाया है जिसको मैंने मक्खन के साथ सर्व किया है और इसकी स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग है, तो आपको देखकर बहुत ही अच्छी लग रही होगी। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे पराठा पनीर का, तो आपका पराठा कभी भी ना तो फटेगा और हमेशा फूला फूला बनेगा। मैंने यहाँ इसको मक्खन के साथ सर्व किया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर का पराठा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 100 ग्राम पनीर, क्योंकि मैं एक पराठा बना रही हूँ। आप चाहें तो 100 ग्राम पनीर में दो पराठे भी बना सकते हैं अगर आप कम स्टफिंग रखना चाहेंगे तो। तो मैंने 100 ग्राम पनीर को अच्छे तरीके से धुल लिया है, क्योंकि वो पता नहीं कैसे कैसे हाथों से आता है, तो एक बार धोना ठीक रहता है। फिर मैंने इसको हाथ से क्रश कर लिया है। कद्दूकस करने से जो है ये बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, तो इसीलिए आप इसको अगर हाथ से क्रश करेंगे ना, तो छोटे छोटे जो पीसेस पनीर के मुंह में आएंगे वो बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और मैंने डाला है यहाँ पे हरा धनिया। आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, सेम हमें उतना ही लचीला आटा लगाना है। मैंने एक पेड़ी ली है और पेड़ी को अच्छे तरीके से बेल कर थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब मैंने अपने पनीर की पूरी स्टफिंग को उस रोटी के अंदर फिल कर दिया है। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए इसका एक पेड़ा बना लेंगे। सूखे आटे से डस्ट करेंगे और बेलन की हेल्प से इसको बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे और इसको लंबा कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको सेम वैसे ही करना है, बस इसको हल्के हाथों से बेलना है। तो देखिए पराठा हमारा सिकने के लिए तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को करेंगे ऑन और तवे को अच्छे से गर्म करके अपना पराठा डाल देंगे। एक बार इसको फ्लिप करेंगे और दोनों तरफ से बटर घी लगा के जो भी आप खाएं दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया हमारे पराठे पर। तो देखिए बनकर तैयार है फूला फूला ढाबा स्टाइल पनीर का पराठा। आप चाहे तो इसे मक्खन के साथ, दही के साथ या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको मक्खन के साथ सर्व किया है और इसकी स्टफिंग देखिए, आपको एक एक बाइट में पनीर की स्टफिंग मुंह में आती हुई फील होगी। तो दोस्तों अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।